भागवत शब्द के चार पड़ाव हैं, भा ग व और ता। भा का अर्थ होता है भक्ति, भागवत ज्ञान से भरी पड़ी है। भागवत में श्लोक में एक स्थान पर ऐसा भाव प्रकट हुआ है, ज्ञानी नाम अग्रगरण्यम, ज्ञानियों की परीक्षा भागवत से होती है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है भागवत। लेकिन इस भागवत को समझने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं। अगर भक्ति के अलावा अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, भक्ति के बिना भागवत को समझने का प्रयास करोगे, तो भागवत आपके भेजे में आएगी नहीं, भागवत समझ में ही नहीं आएगी। तो इसीलिए भागवत का प्रारंभ भी भक्ति से हुआ है, पहला पड़ाव है भक्ति। भागवत का प्रारंभ भक्ति से हुआ है। भा शब्द भक्ति वाचक और ज्ञा शब्द ज्ञान वाचक। जब आपके हृदय में भक्ति की ज्वाला जागृत हो जाएगी, भक्ति की लौल्यता जागृत हो जाएगी, तो कहते हैं तब जाकर के आपको भागवत का ज्ञान समझ में आएगा। और जब भागवत का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आप तीसरी सीढ़ी पर प्रवेश कर लोगे, और तीसरी सीढ़ी है तत्व, तीसरी सीढ़ी है वैराग्य। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान। जिस दिन सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया ना, तो याद रखना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपके अंदर सच्चा इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य का महिमा, वैराग्य का स्वरूप जो है वो अद्भुत है। हम सभी ने आज के समय में एक स्वरूप को वैराग्य का स्वरूप मान लिया। हमने वस्त्रों को एक हमने वस्त्रों से साधु का संबंध जोड़ लिया। जो धोती कुर्ता पहने वो साधु वो संत, और जो पैंट शर्ट पहने वो साधु हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कभी भी आभूषण और वस्त्रों से कभी भी आपके व्यक्तित्व का संबंध, आपके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सच्चा वैराग तो आपको आपके घर पर भी हो सकता है, और यह तब होगा जब आप संत के चरणों में बैठ करके उसके द्वारा प्राप्त की हुई भक्ति को अपने हृदय कमल में जागृत करोगे, तो उस तत्व पर पहुंच जाता है जी। तो अंततः भागवत परमात्मा से मिलाने का एक साधन है।